हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 फायर फाइटिंग का क्वेश्चन विद आंसर। जब इंटरव्यू देने जाते हैं फायर फाइटिंग का, तो सबसे ज़्यादा क्या क्या सवाल पूछा जाता है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि मैं इसी वीडियो फायर अलार्म फायर फाइटिंग CBS से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो टॉप 10 में पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, होस रील का लेंथ कितने मीटर का होता है। तो ये होस रील है, यहाँ पे जो ये फायर होस लिख रखा हूँ मैं यहाँ पे, इसका जो आप खींचेंगे तो इसका लेंथ जो होता है ये कितना मीटर का होता है, इसके बारे में आपसे पूछेगा। तो ये इसमें ये देख सकते हैं, इस डायग्राम पूरा इसमें दे रखा हूँ। अगर ये नोजल है, ये फ्लेंच है, ये लैंडिंग वाल है, जो भी इसमें पूरा मैं दिखा दिया हूँ, तो आप इसको देख के भी याद कर लीजिए, वो अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है होस रील का लेंथ 30 मीटर से लेके आपका 36.5 मीटर का होता है। क्योंकि बहुत से होस तो 30 मीटर का होता है, कोई होस आजकल नया आ रहा है तो किसी का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो किसी किसी का ऐसे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप इसको ऐसे जवाब देंगे कि 30 मीटर से लेके 36.5 मीटर का होस होता है। ठीक है, और सवाल नंबर सेकेंड 68 डिग्री सेल्सियस, 79 डिग्री सेल्सियस एंड 93 डिग्री सेल्सियस स्प्रिंगलर का कलर कोड क्या होता है और कहां कहां यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं टोटल फाइव दिखा रहा हूं। 57 डिग्री सेल्सियस का ऑरेंज होता है कलर कोड, और 68 डिग्री सेल्सियस का कलर कोड रेड होता है, और 79 डिग्री सेल्सियस का येलो होता है, और 93 डिग्री सेल्सियस का ग्रीन होता है, और 141 डिग्री सेल्सियस का ब्लू होता है। मैं आपको इसमें फाइव कलर कोड दिखाया हूँ, और जो है कि आपका 68 डिग्री सेल्सियस कहाँ यूज होता है, तो 68 डिग्री सेल्सियस स्प्रिंगलर रेड कलर इसका कलर कोड हो गया, और ये यूज किया जाता है ऑफिस और रेसिडेंटल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, लिफ्ट लॉबी, कॉरिडोर, मैकेनिकल रूम, इसमें सब यूज किया जाता है। ठीक है, और आपका और दूसरा है 79 डिग्री सेल्सियस स्प्रिंगलर येलो कलर इसका कोड होता है, और स्मॉल किचन स्मॉल इलेक्ट्रिकल रूम में ये यूज किया जाता है। ठीक है, और थर्ड नंबर है 93 डिग्री सेल्सियस स्प्रिंगलर का कलर कोड ग्रीन होता है, और ये लार्ज किचन वुड क्रिटिकल एरिया डाटा सेंटर में ये यूज किया जाता है ये स्प्रिंगलर। ओके, तो आपको ये तीन बता दिया, 68, 79 और 93। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्री नंबर, जोन कंट्रोल वाल क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्यों यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे फॉलो स्विच हो गया, प्रेशर गेज हो गया, चेक वाल हो गया, फ्लोर कंट्रोल वाल हो गया, सुपरवाइजरी स्विच हो गया, ड्रेन राइजर हो गया, टेस्ट एंड ड्रेन वाल विथ सिंगल ग्लास हो गया, आपका ये फायर फाइटिंग कॉम्बाइंड राइजर हो गया, इसमें जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं पूरा दिया हुआ है। ओके, तो फॉलो स्विच का काम क्या होता है, जब भी इसमें एक मॉड्यूल लगता है, जब भी आपका फॉलो स्विच एक्टिव होगा तो हमारा पैनल में अलार्म आएगा, तो मालूम चल जाएगा कि हाँ यहाँ से फॉलो स्विच एक्टिव हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक सुपरवाइजरी स्विच होता है, इसका कनेक्शन किया जाता है मॉड्यूल में, जब भी आपका ये वाल क्लोज रहेगा तो हमारे पैनल में सुपरवाइजरी शो करेगा कि हाँ ये वाल क्लोज है। यूज क्यों किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 10 फ्लोर का हमारा कोई बिल्डिंग है, 5 फ्लोर पे बाय चांस कुछ सडनली कुछ लीकेज हो गया, तो आप वहाँ पे 5 फ्लोर पे जाके उसको जोन कंट्रोल वाल को आप ऑफ कर देंगे, ताकि हमारा पानी लीकेज जो भी हो रहा है बंद हो जाए, और बाकी जो फ्लोर है जैसे कि 5 के अलावा छोड़ के 1, 2, 3, 6, 7, 8 जो भी है वहाँ पे आपका पाइप लाइन में आपका पानी रहे, और ये 5 फ्लोर जो है आपका आइसोलेट हो जाए। ओके, तो इसके वजह से यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगलर के दोनों के बीच में मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। तो इसका आंसर है स्प्रिंगलर के दोनों के बीच में आपका मिनिमम इसमें आपका 2 मीटर से लेके मैक्सिमम 4 मीटर तक डिस्टेंस रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 100 mm के पाइप में कितना स्प्रिंगलर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आंसर है इसका 100 mm के पाइप में 100 स्प्रिंगलर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें ओनली जरूर नहीं है कि एक ही पूछेगा, तो इसमें मैं जितना भी है इसमें आपको बता रहा हूँ। जैसे 25 में पूछेगा तो 1 से लेकर 2 तक, 32 में पूछेगा तो 3 बता देने का, 40 में पूछेगा तो 4 से लेकर 5 तक, 50 mm के पाइप में कितना लगेगा तो 6 से लेकर 10 तक, 65 mm के पाइप में कितना लगेगा 11 से लेकर 23 तक, ये जितना भी है मैं आपको इसमें दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका यही पूछेगा, ओके। तो और ये जो आपका 150 mm का जो पाइप है इसमें 100 से ऊपर आप इसमें लगा सकते हैं, ओके। सवाल नंबर 6, टू हाइड्रेंट के बीच में मैक्सिमम कितना गैप रहना चाहिए? तो इसका जो हाइड्रेंट है आप देख सकते हैं, हाइड्रेंट है इसका बीच में जो तीर लगा हुआ है इसका कितना गैप रहना चाहिए? तो इसका आंसर है टू हाइड्रेंट के बीच में मैक्सिमम 45 मीटर का गैप रहना चाहिए, ठीक है। तो अगला सवाल है 7 नंबर, इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए? तो आंसर इसका इलेक्ट्रिकल फायर में CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। CO2 यूज करना चाहिए क्योंकि CO2 में बहुत ही ठंडा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये यूज करना चाहिए। और वहाँ भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे मान लो कि कोई सामान बहुत ही महंगा है, बहुत ही कीमती है, अगर वहाँ पे आप DCP यूज करेंगे तो सामान ख़राब होने का चांस रहता है, तो उस सिचुएशन में आप ये CO2 को यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहाँ भी सामान कुछ महंगा हो वो जगह पे आप यूज करो CO2, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है 8 नंबर, फायर फाइटिंग सिस्टम में किस प्रकार का पंप का यूज किया जाता है, ठीक है। जो हमारा फायर सिस्टम का पंप होता है किस प्रकार का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है एक जोकी पंप है, इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग मेन पंप है, और एक डीजल पंप है, डीजल इंजन पंप, ठीक है। तो ये है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सबसे लास्ट वाला स्प्रिंकलर में कितना प्रेशर होना चाहिए? तो इसका आंसर है जो भी हमारा लास्ट वाला पॉइंट में उसमें प्रेशर 0.5 bar प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा लास्ट का स्पिनर वो पॉइंट है उसमें 0.5 bar होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक स्पिनलर फायर में ब्लास्ट होता है तो कितना एरिया कवर करता है अपना वाटरफॉलो को लेके? सही है, जब भी आपका स्पिनलर जब वो ब्लास्ट होता है यानी आपका जब स्पिनलर टूटता है तो उस टाइम में कितना एरिया कवर करता है? तो इसका आंसर है एक स्प्रिंकलर में 9 square meter से लेके 12 square meter एरिया कवर करता है, ओके।